आज बुलडोजर एक्शन भी चला है, 200 से ज्यादा घरों पर जो है जो अवैध रूप से यहाँ पर रोहिंग्या आकर बसे हुए थे, अवैध घुसपैठिए जो रह रहे थे उन पर बुलडोजर एक्शन आज हुआ है 200 से ज्यादा। सर मैं तो इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, उसका तो जो जिन्होंने उनको यहाँ रहने के लिए जो वो दे रखा है ऊपर से, तो उनके बीच में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि जिनका संरक्षण प्राप्त है वो, हाँ जिन्होंने संरक्षण दिलवा रखा है वो उसका वो देखेंगे क्या इन्वॉल्वमेंट, उन लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आ रही है उसमें से भी बहुत सारे। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मैंने देखा है ना मैं बता सकता, सिर्फ मैंने भीड़ ज़रूर देखी थी, भीड़ थी यहाँ, भीड़ जो पथराव हो रहा है जी। देखिए नू ज़िला में इस समय हम मौजूद हैं और जो हालात बने हुए हैं उस पर लगातार आपको यहाँ से ग्राउंड कवरेज करके दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा जो हैं वो मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है, मैं एडवोकेट हूँ, नू और फिरोजपुर में बैठता हूँ। अभी मैं किसी ज़रूरी काम से फिरोजपुर से नू आना हुआ तो आप लोगों की कॉल पर, आप लोगों के रोकने पर मैं यहाँ रुका हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जो ये हालात बने हुए हैं पिछले इतने दिनों से, क्या कहेंगे इस पर आप? सर देखिए अब तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने भी आ गई हैं। देखो ये हालात अभी जो ये दंगा जो हिंसा हुई है ये अचानक से ही भड़की हुई है, ये सबको पता है, लेकिन अचानक से ये ऐसे नहीं भड़की, अचानक से यहाँ भड़की है, लेकिन इसके भड़काने के पीछे मैं ये कहता हूँ कि बहुत तैयारी हुई है, लोग तैयारी करके आए हैं, गुंडे बन के आए हैं। यात्रा वाले ठीक थे, जो श्रद्धालु थे जो मंदिरों में असलियत में पूजा करने आए थे वो ठीक थे, लेकिन उन लोगों में गुंडे शामिल हो गए। लेकिन जो पत्थर चला ऊपर से घरों के ऊपर, बिल्कुल जब हिंसा भड़की यहाँ के लोगों ने भी पत्थरबाजी की, मैं मानता हूँ कि छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठा करके क्यों रखा गया था? सर देखो मैं तो ये नहीं कहता, अगर मैंने एक वीडियो देखी है आप लोगों के न्यूज के माध्यम से, कोई घर से पत्थर फेंक रहे हैं, घर पे गमले भी होते हैं, ईंट पत्थर होते भी होंगे, किसी कारण रखे भी होते होंगे। जब आदमी सेल्फ डिफेंस में जो अपने घर से फेंक रहा है तो उसको तो हम सेल्फ डिफेंस ही मानेंगे, हमला तो घर से फेंक, जो घर से फेंक रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस हो गया, और जो सड़क पर यात्रा कर रहे हैं वो, मैंने अभी बताया आपको जो यात्रा कर रहे थे जो असल में श्रद्धालु थे जो पूजा करने आए थे वो लोग सही थे, उसमें बुजुर्ग भी थे महिलाएं भी थी, लेकिन उन लोगों में जो गुंडे घुसे हैं उनसे दिक्कत हुई है। हाँ वो चैलेंज दे के आई हैं, आप लोगों को पता होगा कि तुम्हारे जीजे आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देही बात मैं मानता हूँ, इससे झगड़ा भड़का है, लोगों ने फिर उनको भी चैलेंज दिया कि आओ हम देखते हैं, झगड़ा दोनों तरफ से भड़का है। इसीलिए हमारी आप चैनल के माध्यम से विनती है कि जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अगर मान लो किसी ने कहा भी है वो इस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं, तो लोगों को किसने अधिकार दिया वहाँ पर कि आकर के कानून को अपने हाथ में ले और इस तरह से जो है पूरे मेवात का, पूरे नू जिला का, पूरे हरियाणा का नाम बदनाम करें? देखिए सर आप जब आप कानून की बात कर रहे हैं कि लोगों को कहाँ से अधिकार कानून के हाथ में, जब उन्होंने एक आदमी वीडियो बना के चैलेंज दे रहा है सोशल मीडिया पर डल रहा है तो कानून के लोगों के पास वो पहुँच ही रहा है, हम मानते हैं कि कानून के पास तो पहुंची है, पुलिस के पास वो पहुंची है, हमारी CID है उनके पास ही पहुंची होगी, उन्होंने क्या प्रबंध किए हैं उनको रोकने के लिए, यहाँ से हिंसा भड़की जो इस हिंसा को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए हैं, अगर किए तो क्यों हुई, अगर प्रबंध उन लोगों जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनकी कोई गलती नहीं है? नहीं मैं दोनों की गलती मानता हूँ, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने चैलेंज दिया उसकी भी गलती है, और जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उन दोनों की गलती है। वीडियोस की बात की जाए तो वीडियो तो जो यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस के मोमन खान, उनका भी वीडियो जो है वायरल हुआ है, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट्स डाली है वो भी अब नज़र में आ रही है। देखो सर मैंने भी सुनी है, वो करीब 6 महीने पहले की बात थी, अभी इससे पहले भी यात्रा से पहले भी डाला, यात्रा से पहले का ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा, जो वो विधानसभा में उन्होंने एक जो विधानसभा की वीडियो वायरल हुई है, संसद नहीं विधानसभा, विधानसभा के जो वीडियो वायरल हुई है कि प्यासी फोड़ देंगे, वो उन्होंने कहा कि हमारे अगर लोगों को ऐसे ज्यादती की गई, जुल्म कहा किया गया हमारे लोगों पर, ऐसे अंदर घुसे गुंडे तो उनकी प्यास फोड़ देंगे, वो ना कानून, हाँ वो किसी कानून के लिए नहीं था, पुलिस के लिए नहीं था, वो गुंडों के लिए था। अगर वो उन्होंने सजा तो कोर्ट देगा ना, वो तो अभी दोषी भी साबित नहीं हुए, अभी तो केस चल रहा है, अभी तो आरोपी हैं, लेकिन सजा कोर्ट तब देगा ना जब वो पकड़े जाएंगे, वो पकड़े ही नहीं गए आरोपी, अरे जो पुलिस ने चार्जशीट में आरोपी बनाए हैं FIR में आरोपी, वो पकड़े ही नहीं गए, कोर्ट कैसे सजा देगा, पुलिस उनको पकड़ ही नहीं रही, अगर राजस्थान पुलिस पकड़ने आती है तो हरियाणा पुलिस नहीं पकड़ने, प्याज की तरह फोड़ देंगे किसको, जो स्टेटमेंट दी गई नहीं
उन्होंने कहा है ऐसा है सर। आपने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ये सब बातें कही गई है। देख मैं मानता हूँ कि राजनीति भी होती है, लेकिन जो उन्होंने प्याज का जो शब्द यूज किया गया है वो अपने लोगों को बचाने के लिए, गुंडों से बचाने के लिए किया गया है। अगर गुंडे आएंगे तो लोग चुप नहीं रहेंगे, अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो एक हिसाब से हिंसाओं के लिए लड़ेंगे। और आपको पता है कि बचाव बचाव करना ज़रूरी है, ये भी तो एक हिसाब से हिंसा हुई। अगर देखो अगर इससे नुकसान हो रहा है आप उसको कोर्ट में चलाइए, चार्जशीट फाइल करिए, कौन रोक रहा है? एक वीडियो दोषी है तो दूसरी वीडियो वाला भी तो दोषी हुआ सर। नहीं दोनों को एक तराजू में, एक तो चैलेंज देके आ रहा है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा जीजा आ रहा हूँ स्वागत करना, और ये कह रहा कि मेरे इलाके में गुंडागर्दी करने आए, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है सर, ये समझना होगा, ये बड़ा फ़र्क है। इन दोनों को एक पैमाने पर नहीं तोल सकते, और एक गुंडे को और एक विधानसभा में बोलने वाले विधायक को हम कभी भी एक पैमाने पर नहीं तोल सकते। उनको वो तो खैर परिभाषा तो कुछ भी दी जा सकती है। आपका क्या नाम है सर? मैं एडवोकेट परवेज जुबैरी। परवेज जी कहाँ के रहने वाले? जी मैं नूह से ही रहने वाला हूँ, मैं यहाँ रेडियो में बात में ये जस्ट यहाँ सरकारी फ्लैट है यहाँ, इसमें मैं रहता हूँ। ये जो हिंसा भड़की है और पूरे देश ने देखी है जिस प्रकार से जो ये हालात हुए हैं, क्या कहें सर? हिंसा भड़कने की बात मैं खुद अपने ऊपर बता दूं, मेरे घर खुद अटैक हुआ है, मैं मेरे बच्चे मेरी वाइफ मैं ऊपर खड़ा हुआ मोबाइल पे बात कर रहा था, बात करने के बाद जो कहना मैं जैसे ही वो उन्होंने कहा वीडियो क्लिप बना रहे हैं, एकदम मेरे ऊपर आए रॉड वगैरह हाथ में थी है ना मारने का, वो मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल ले लो, आप मोबाइल में देख लो अगर मेरे पास कोई वीडियो क्लिप वगैरह हो। जब मोबाइल दिया और जब छोड़ के जो कहना मैं जब गए, मेरी घरवाली ने मेरा हाथ जोड़ा, वहाँ सारा कुछ ऊपर चढ़ गए टेरिस पे। और जो पहले सबसे पहले जो हालात यहाँ पर बने, जो शोभा यात्रा निकली थी उस पर जो पथराव किया गया, गोलियाँ चली गई, आगजनी, शोभा यात्रा के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना तो मैंने वहाँ देखा, मैं तो कोर्ट से आया था यहाँ गेट पे, गेट यहीं है जस्ट 500 मीटर दूर, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ खड़ा हुआ मेरे पास तो कॉल आई थी कि यहाँ खेड़ला मोड़ पर झगड़ा हो गया, आगजनी हो रही है, भाई इतना हुआ। और फिर मैं अपने मैं ड्रेस में था अपनी में और सीधा अंदर चला गया। ये जो ये पिलर गिरा ये भी इसी घटना के दौरान गिरा है? कौन सा ये पिलर तो शायद गिर सकता है घटना के दौरान, बट ये पहले एक्सीडेंट में गिरा हुआ है। ये पहला एक्सीडेंट में काफ़ी 4-5 महीने पहले का गिरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी हिंसा जो है यहाँ तक फैली हुई? हाँ रोड पे हुई थी, ये हमारे सामने साइबर क्राइम थाना है, साइबर क्राइम थाने पे भी जो क्या नाम है पथराव वगैरह हुआ था। तो क्या चाहते हैं जो भी इसमें आरोपी हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो इसमें भाई हमारे यहाँ तो भाईचारा काफ़ी है ना, हिंदू मुस्लिम सारे एक रहते हैं यहाँ पे, इतना भाईचारा है, बस पूछिए मत, आप अंदर जाके देख लीजिए। अगर अंदर मैं बाजार के अंदर, मैं केवल आरोपियों की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें किसी धर्म विशेष पे नहीं जा रहा, जिसने भी जो किया उनको सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी ये किया है कम उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए इस समय हम नूह जिले में मौजूद हैं और जिस तरीके से हालात यहाँ बने हुए हैं आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जो है दौरा तमाम अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। इस समय जो डिप्टी कमिश्नर है इस जिला के, वो आप सीधे तौर पर इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं, वो अभी अंदर जो इलाका है, संवेदनशील इलाका है जहाँ पर ये सारी घटना हुई थी, वहाँ का दौरा करके अभी जो है यहाँ पर निकले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए आज तड़के सुबह से ही जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है नूह जिला के अंदर, जिस तरीके से अवैध जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्याओं का जिक्र आ रहा है, उनकी बस्तियों पर ये बुलडोज़र चला है, करीब 200 घरों से ज़्यादा घरों पर जो है ये बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। और इसमें सीधे तौर पर ये कहना है प्रशासन का कि यही बस्तियों से ही जो युवक निकल करके आए थे और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे दंगे में सीधे तौर पर जो है पाई गई थी। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी गई है, इसके भी शीशे जो है यहाँ पर टूटे हुए वो आपको नजर आएंगे। और इस समय जिस एंट्री पॉइंट पर, नूह के एंट्री पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि धारा 144 लगाई गई है, कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है, इंटरनेट जो है वो जैसे ही आप दिल्ली से निकलेंगे उसके बाद से ही इंटरनेट सर्विसेज आपको दिखेगा, आप बंद वहाँ पर जो है नजर आएंगी। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और इस नू इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दंगा भड़का था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, ग्राउंड ज़ीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। इसी बीच अगर आम जनता की बात की है तो वो आपको ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो आपको नज़र आएंगे, चाहे वो हरियाणा पुलिस के जवान हो या फिर आपको कुछ जवान जो है वो RAF रैपिड एक्शन फोर्स के भी यहाँ पर नज़र आएंगे, जैसे
हाल ही में ऐलान किया गया कि अब आरएएफ की यूनिट जो है, रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट, उसको जो है यहाँ पर नू में उसका सब सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें, अब तक जो ये पूरे दंगे भड़के हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, इसमें 93 जो है एफआईआर दर्ज की गई हैं इसको लेकर के, ये जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें 176 लोगों की गिरफ्तारी जो है की जा चुकी है। लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर जुटा हुआ है। अभी आपने देखा डिप्टी कमिश्नर जो है कुछ देर पहले के, अभी आप विजुअल्स में देख रहे हैं, लगातार जो है इस पूरे इलाके का दौरा जो है वो यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है प्रशासन के, उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस समय और भी अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, पूरा काफिला जो है यहाँ पर इन गाड़ियों का, और बाकी सड़क पर आपको कोई भी जो है आम जनमानस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इसमें सीधे तौर पर पुलिस की गाड़ियाँ जो है, पुलिस के आला अधिकारी जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम फोर्सेस जो हैं वो उनके साथ यहाँ पर शामिल है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस समय आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बसों में भर भर के जो है यहाँ पर पूरी बस से जो है भरी हुई है इन फोर्सेस के जवानों से। हरियाणा पुलिस के जवान जो है इन तीनों गाड़ियों में जो है वो आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, जो इस समय अलग अलग जो इलाके हैं नू ज़िले के, अलग अलग जो इलाके हैं उसमें जो है जाने का काम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर एहतियात जो है वो प्रशासन की तरफ से बरता जा रहा है, हर एक चीज़ पर नज़र बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर नज़र बनाई जा रही है, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं जो रोक लगाई गई है वो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगाई गई है, क्योंकि बाकी चीज़ें सुचारू रूप से चल सके इसलिए वाईफाई जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर भी वाईफाई लगे हुए हैं वो यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो छावनी में जो है ये तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर जो तैयारी की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, आरएएफ की गाड़ी यहाँ पर जो लगी हुई है, जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इस चौक की बात करें जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मेन एंट्री पॉइंट है यहाँ का नू में, अगर जो आगे रास्ता जो है मेवात की तरफ, ब्रजमंडल क्षेत्र की तरफ जाता है जहाँ पर ये हिंसा हुई थी, तो उसी का ये एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से ही पूरी मूवमेंट जो है उस पर नज़र बनाए हुए, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे उसके अलावा अगर बात की रैपिड एक्शन फोर्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अब तक इस मामले में 93 एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है, 176 लोगों को जो है अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो इसी नू जिला से है, यहीं पर, क्योंकि सबसे पहले वो हिंसा भड़की थी ब्रजमंडल क्षेत्र में जब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उसके बाद जिस तरीके से पथराव उस पर किया गया, गोलियां चली, सैकड़ों गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया, और उसके बाद जो चश्मदीद वहां गवाह थे उन्होंने जिस तरीके से हालात को बयां किया था कि कैसे जो है पहले से सुनियोजित तरीके से इस साजिश को जो है वो अंजाम दिया गया है, क्योंकि अगर बात की जाए इसमें 6 से 7 लोगों की जो है डेथ हुई है, उसमें होमगार्ड भी शामिल है, जो होमगार्ड वहाँ पर तैनात थे उनकी भी जो है इस दंगे में मृत्यु हुई है। इसी बीच आपको बता दें नू ज़िला से जो है सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी, जैसे मैंने आपको बताया 46 लोगों की गिरफ्तारी जो है आज सुबह तक यहाँ पर हुई थी। उसके बाद और भी लोगों को जो है चिन्हित करके अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद फरीदाबाद की बात की जाए तो 3 लोगों को फरीदाबाद में अरेस्ट किया गया, दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है। रेवाड़ी में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, गुरुग्राम में 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और पलवल में 18 केस जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो इस नू की बात की जाए, इस जो यहाँ से आगे मेवात इलाका पड़ता है उसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 80 से 85 किलोमीटर का रूट है जहाँ पर ये स्थित है। और लोग जो है वो फरीदाबाद पलवल दूर दूर से आए थे, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और सावन के पवित्र महीने में जल चढ़ाने के लिए जो वहाँ पर मंदिर है, और पहले 4 साल से लगातार जो है यहाँ पर ये शोभा यात्रा निकल रही थी, वो जल चढ़ाने के लिए वहाँ आए थे। लेकिन अगर इस मेवात की बात की जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से इंसिडेंट हुआ, पहले भी यहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ख़ासतौर पर आपस में पंथों को लेकर के, उसमें जो चेंज देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो अब यहाँ पर अल्पसंख्यक बन चुके हैं वो जो है लगातार इस जगह को छोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू समुदाय की अगर यहाँ पर बात की जाए, और उसके बाद जो है इस तरह के खबरें आना, और इसमें ये चीज़ अभी खुल करके सामने आना कि 31 जुलाई को जो है ये
शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन इसको लेकर के जो प्लानिंग सामने आ रही है कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी इस शोभा यात्रा के लिए 21 से 23 जुलाई के बीच में, इस प्लानिंग प्लॉटिंग को किया गया था, ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर जो है सामने आ रही है। और अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है उनका भी यहाँ पर बयान सामने आया है कि हर एक चीज़ पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें संलिप्त है उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अब अगर बात की जाए इसमें कांग्रेस विधायक जो है मामन खान जो है उनका नाम सामने आ रहा है, मोमन खान का नाम सामने आ रहा है कि जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जो उन्होंने चीज़ें कही थी मोनू मानेसर के लिए कही थी, और कुछ लोग हैं वो मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं, जबकि मोनू मानेसर क्लियर कर चुके हैं कि वो उसमें नहीं आ रहे थे। उन्होंने केवल लोगों को, हिंदुओं को कहा था कि आप उस शोभा यात्रा में जाइए, और उसके बावजूद अगर यहाँ पर बात की जाए तो किस प्रकार से अगर वो आ भी रहा था तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी उस पर जो भी एक्शन लेना है, लेकिन जो पहले से ही सुनियोजित तरीके से यहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए, गोलियों को इकट्ठा किया गया, और सब उसमें ज़्यादातर जो युवक पकड़े जा रहे हैं 18-19 साल के, 25 साल के युवक हैं, और जो भी उसमें संलिप्त पाए गए हैं उनका कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है। जो बुलडोज़र कार्रवाई अब चल रही है, बहुत दिनों से बुलडोज़र एक्शन की मांग थी, और अब लोगों का ये कहना है कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये बुलडोज़र एक्शन पहले से ही हो जाना चाहिए था, और 200 से ज़्यादा घरों पर ये जो है कार्रवाई हुई है। बहरहाल इस समय आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो है चीज़ें सुचारू रूप से चलना हालांकि शुरू की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा आपको लोग जो है वो यहाँ पर बाहर नज़र नहीं आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है उनकी अतिरिक्त जो है यहाँ पर तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की तमाम गाड़ियाँ जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और क्योंकि यहीं से आगे जो है हिंसा बढ़की थी तो आगे जा कर के पूरा जो है यहाँ पर तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके से अब कोई हालात जो है वो यहाँ पर बेकाबू ना हो, उस पर जो है नियंत्रण बनाया जा सके, इसका पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसीलिए अब जो सब सेंटर है रैपिड एक्शन फोर्स का, उसको भी इस नू ज़िले में जो है बनाए जाने की पूरी तैयारी जो है गृह विभाग के तरफ से की जा चुकी है। अभी सीधे हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं नू ज़िले से, और जिस प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर, अब देखना होगा आने वाले दिनों में और क्या बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और तुरंत एक्शन जो है वो यहाँ पर उसकी लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट हैं उन पर तुरंत से तुरंत जो है कड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर सरकार को लेना चाहिए, इसकी मांग जो है लंबे समय से की जा रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नू हरियाणा।